हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं यार सिद्धार्थ भाई से, क्योंकि कल एक ट्रेंड हुआ था बीबी किंग सिद्धार्थ शुक्ला। क्यों हुआ था? क्योंकि कल के दिन यानी कि आज से 2 साल पहले हमको सिद्धार्थ भाई कुछ ऐसे देखने को मिले थे। हालांकि ट्रेंड और भी हुए थे, एक वो नाम है ना यार, मतलब जिसका भाई भी आ रहा है इस सीजन के अंदर, उनका भी ट्रेंड हुआ था और उसका भी ट्रेंड हुआ था जिसका नाम कुछ मी पे जाके एंड हो जाता है। इन दोनों का ट्रेंड हुए, बट पता नहीं भाई, आई थिंक 50 के भी नहीं पहुंच पाए। यहाँ पे सिद्धार्थ भाई की बात करें तो 2 लाख से भी ज्यादा के ट्वीट्स हुए थे इसके ऊपर। ओके, बात सिद्धार्थ भाई की चल रही है तो एक और अपडेट देता हूँ। सिद्धार्थ भाई के जाने के बाद बहुत सारे ऐसे सॉन्ग से जिनको सुनने के बाद हम बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं सिद्धार्थ भाई से, उन्हीं में से एक गाना है मेरे लिए फ्रॉम ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, जिसके ऊपर अब बहुत ही ज्यादा रील बन गई और बहुत ही वायरल रील्स हो रही है। ये मेरे लिए, तो यार अगर आपको ये रील देखनी है तो फिर YouTube की स्टोरी पे लगा दूंगा, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हो। साथ में बात करता हूँ यार इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड, तो आपको पता ही होगा कि इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड ने क्या कंट्रोवर्सी खड़ी करी थी सिद्धार्थ भाई और शहनाज को लेकर। अगर नहीं पता तो सर्च कर लेना आइकॉनिक अवार्ड रोस्ट मिस्टर जॉय, तो पता चल जाएगा, सारी वीडियो आ जाएंगी। तो यार निया शर्मा इसमें क्या कह रही है खुद ही सुन लो पहले। Not just calling out those international and iconic, look at these words, they are heavy words. So guys, ऐसा कि मैंने अपनी रोस्ट वीडियो के अंदर भी बोला था, एक क्विक रिकैप दे देता हूँ, फुल वीडियो आप जाकर देख लेना। मैंने ये बोला था कि यार इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड, ऐसे कौन से इंटरनेशनल लोग हैं जो इस अवार्ड फंक्शन के अंदर आकर अवार्ड दे रहे हैं या ले रहे हैं, कोई भी नहीं, बाबा जी का टुल्लू। यही चीज निया शर्मा ने भी बोली कि इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड, लुक एट दीज वर्ड्स, आइकॉनिक, लुक एट दीज वर्ड्स, दे आर हैवी वर्ड्स। मतलब क्या है भाई, ये शब्दों को थोड़ी तो इज्जत सम्मान रख लो। मगर नहीं, अब यहाँ पर इसी को लेकर बहुत सारे लोग ऐसे फोटोज डालते अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसे भी रिसेंटली हीना शर्मा ने भी डाली है कि थैंक्स हमको मिला इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड। किसने दिया? वो मोहम्मद नागमन ने। वेलकम बैक इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड के पहले अध्याय के अंदर। पता नहीं भाई कौन है वो इंसान, मैं नहीं जानता, मतलब जानता हूँ वो, देख लेना रोज वीडियो के 3 पार्ट निकाले थे, देख लेना। उसके बारे में ऐसा काला चिट्ठा खोला था ना कि बेचारा रिजाइन देके चला गया था, देख लेना जाकर। अब जो लोग फोटोज डालते हैं कि थैंक्स टू माय मॉम, थैंक्स टू माय डैड, मेरे को आइकॉनिक अवार्ड मिला, ये जिंदाबाद, अब वही लोगों को भी रोस्ट कर डाला यहाँ पे निया शर्मा ने अपने इंटरव्यू के अंदर। लुक एट योरसेल्फ, लुक योरसेल्फ इन द मिरर एंड देन टेल मी, आर यू द अवार्ड, द बोगस अवार्ड दैट यू होल्डिंग इन योर हैंड एंड पुटिंग इन योर इंस्टाग्राम, आई वांट टू थैंक माय मम्मी डैडी एंड माय डॉग फॉर वेयर आई रीच। अगर एक टीवी पे शो चल रहा है ना सिड, अगर उसमें 25 लोगों की कास्ट है, 25 के 25 वो अवार्ड लेके खड़े हैं, हाउ रियल इज दैट यार। इसलिए मैंने स्टोरी पर डाल के बोला था भाई आई लव निया शर्मा। तो बात आइकॉनिक अवार्ड की चल रही है, तो एक और आइकॉनिक बंदे की बात करते हैं जो गलतियों का ब्रांड एम्बेसडर है। पहली गलती याद है ना, तो पहली गलती की अगर बात करें, थोड़ा टाइम पहले ही, मतलब कुछ दिन पहले ज्ञान फैल रहा था भाई ग्रजिस होल्ड मत करो, आगे बढ़ो, ये बढ़ो, वो बढ़ो, अभी खुद बिग बॉस घर के अंदर घुसा भी नहीं है कि वीडियो किसके लिए डाल रहा है, हेटर्स के लिए। बहुत सारे लोग भी यही बोल रहे हैं, आई एम वेटिंग। मतलब भाई बिग बॉस घर के अंदर घुस तो जा पहले, हेटर के लिए पहले वीडियो डालने लग गया, मतलब भाई अभी होगा क्या इसके साथ, मुझे भी नहीं पता इसका। चलो भाई पर फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट अभी बताता हूँ भाई कि देश का नेता कैसा हो, प्रदेश का नेता कैसा हो। देखो देश का नेता जैसा मर्जी हो, मगर वो जब चले ऐसे सर उठा के, तो ये भी पता चले कि आगे रास्ता कहाँ ले जा रहा है उसे। प्रदेश का नेता कैसा हो, पता चला कि हौसला रख, जिसका हमने ट्रेलर अभी परसों ही देखा था, उसका एक गाना भी आउट हो चुका है। वैसे गाइस हौसला रख के अंदर जो हौसला, मतलब कि जो बच्चा छोटा सा, जो इसका नाम हौसला है, बेचैनी एक ही चक्की फिरता है, सौर्य ने हौसला देता ना की रखे है हौसला, जो इसका नाम हौसला है, उसने आज एक फोटो शेयर करी है शहनाज गिल के साथ, जो कि BTS है, हौसला रख यानी कनाडा की है।
सो गाइस आज के लिए इतना ही, एंड में आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा एक मेम जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कल, वो मैंने ऐड किया है इसके अंदर। और बस अगर आपको कुछ मिसिंग लग रहा हो वीडियो के अंदर तो कमेंट करके बता देना, उसको नेक्स्ट बिग बवाल की वीडियो के अंदर ऐड कर देंगे। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक बार उठाइयो, अरे ये क्या कर रही है पागल, मुझे क्यों उठा रही है? अरे तुमने तो बोला उठाइयो। फोन उठा, मुझे नहीं। पागल यार, मेरे को डर लग गई बेवकूफ। अरे फोन बज रहा, उठा। ये क्या कर रही है? क्या करी क्या मतलब है? हैं, तुमने बोला ना फोन उठा, तो फोन उठा रखा है मैंने। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे तू काट यार, अजीब आदमी है। Hold up.